इसे अपने पास बहुत संभाल के रखना। कुछ भी हो जाए सलोनी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मुझे बताओ क्या नाहर, क्या नाहर सच में? जो बात मैं उससे छुपा रहा हूं उसके अपने भले के लिए, अगर वो सच उसके सामने आके उसके आंसुओं को आपके फिदा भी नहीं रोक पाएंगे कि मेरे पास मेरी जिंदगी के सिर्फ 2 महीने बचे। मन माफी, कुछ गलत कर रहा हूं मैं सलोनी के साथ, कहिए ना आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये नहीं हो सकता नारमन्ना, झूठ बोल रहे हो तुम, टोली कर रहे हो मेरे साथ। जो तुम कह रहे थे झूठ है। काश काश मेरे कहने से बात गलत हो जाती मन्नू बाबू। रात सोने से पहले ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, कल सुबह जब नींद खुले तो ऐसा लगे ये सिर्फ एक डरावना सपना था। हर सुबह इस कड़वे सच को मेरे सामने फिर से लाकर खड़ा कर दे। जीते जी मार डाला ना हर बन्ना, मेरी बच्ची ने तो हमेशा आपकी मंगल कामना और आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखी। रात चलते भी कोई मंदिर दिख जाता था तो आपके लिए दुआएं मांगती थी। उसकी तपस्या का ये सिला बंद हो से ना हर बन्ना। रिश्ता मत तोड़ो ना हर बन्ना, मैं ना हिम्मत हारने दूंगी आपको, मैं ना हिम्मत हारने दूंगी। अरे ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज ना हो सके? जाओ जाओ ठीक करो अपने आप को, ठीक करो अपने आप को। अरे देश नहीं तो परदेश में जाओ, मैं आपको 7 समुद्र पार सफर करते देख सकती हूँ लेकिन 4 कंधों पे लेटा नहीं देख सकती नॉर्मल। हमें छोड़कर बच्चा नॉर्मल, हमें छोड़कर बच्चा।
प्लीज मत जाए। तेरी बदकिस्मती है वो तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा से जिसने आप जैसे अच्छे इंसान को इतना दुख दिया, वो सलोनी जिसने हमेशा दूसरों के दुख हरे हैं, उसे इस परमात्मा ने कभी ना खत्म होने वाला दुख दे दिया। अभी सलोनी टूट जाएगी, अगर उसे मेरी बीमारी के बारे में पता चले तो सह नहीं पाएगी। आप सलोनी और किसी से कुछ मत कहिएगा, आपको मेरी कसम, ना भी अगर आपने मेरी कसम तोड़ी तो मैं भक्त से मैं ना कहूंगी, लेकिन मेरी बच्ची तुम्हारे बिना कैसे जिएगी, कैसे जिएगी मेरी बच्ची तुम्हारे बिना। ये चिंता मुझे सताया जा रही है मन बाप, मेरे जाने के बाद मेरी सलोनी का क्या होगा? मेरी वादा कीजिए, मेरे जाने के बाद आप सलोनी को फिर से जीना सिखाएंगे तो कैसे जिएगी, कौन सहारा देगा उसे? सच में कोई रास्ता नहीं है? कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो। सलोनी, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन इस वक्त अगर तुम टूट गई तो नहार को कौन संभालेगा, जिसे वो आने वाले कल का हिम्मत से सामना कर सके? एक तुम ही हो जो नहार का दर्द समझ सकती हो, उसका साथ दे सकती हो। इस वक्त जब हर आने वाली सुबह नहार की तबीयत और बिगड़ने का संदेश लेकर आएगी तो तुम्हें नहार को संभालना होगा। बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि नहार को बिना बताए कि तुम सब कुछ जानती हो, तुम उसे कैसे संभालोगे? मैं तो यही चाहता हूं कि नहार तुम्हें सब कुछ बता दे, लेकिन तुम सही कह रहे हो, मुझे नहार को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन लेकिन अगर वो हम सब से ये दर्द छुपाना चाहते हैं तो मैं भी ये राज नहीं खोलूंगी। मैं अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, नहीं हारूंगी मैं इतनी जल्दी, ना ही नार को हारने दूंगी। मेरे आंसू नहर कभी नहीं देख पाएंगे,
लेकिन तब मैं क्या करूंगी जब नाहर मेरे सामने होंगे और मुझे ये एहसास होगा कि सलोनी ये नाहर आ गए हैं, ये भी हंसते-हंसते रो पड़ेंगे। हाँ हाँ, अब मेरा तो और कोई कामकाज है ही नहीं, बस तुम दोनों के लिए जोकर बन जाओ। चलता हूँ, भाई पेशेंट वेशेंट भी देखने होते हैं मुझे। बाय सलोनी, बाय नाहर। बाय। क्या कह रहा था ये? मैं क्यों बताऊँ? क्या हम दोनों हंसी मजाक नहीं कर सकते? वैसे आप ही के बारे में बात कर रहे थे, आपके कॉलेज के दिन की बातें बता रहे थे, लेकिन क्या ये मैं नहीं बताऊंगी। वैसे वरुण एक बहुत अच्छा इंसान है, किस्मत वालों को ऐसे दोस्त मिलते हैं। नाहर ये मन्नू भाभी के लिए गुजिया बनाई मैंने। मन्नू भाभी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। हम अपना मुंह मत लटका, वैसे तुम्हारे लिए अलग से निकाल के रखी है मैंने। आओ। इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? दिखाई नहीं देता ये फटा पुराना बैग इस टेबल पे क्या कर रहा है? अगर घर में कोई आ जाए तो मुंह छुपाने तक लायक नहीं रहेंगे हम लोग। कावेरी बेटा, ये मन्नू भाभी का है। अरे कोने में पड़ा हुआ, इसे क्या फर्क पड़ता है? जिसका भी बैग हो मम्मी जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर का सारा लुक खराब हो रहा है, वो नहीं देख रही आप? मनु भाभी, क्या बात है, आप इतने उदास? मम्मी, अरे सलोनी बेटा, तू अचानक आ? मैं मन्नू भाभी से मिलने आई हूं। आपको गुजिया बहुत पसंद है ना मनो भाभी, आपके लिए लेकर आई हूं। ना बेटा, रहने दे, मेरा मन नहीं है। अरे आपको तो गुजिया बहुत पसंद है ना। अच्छा रख दे, बाद में खा लूंगी। खाइए ना मनो भाभी, चलिए एक मेरे हाथ से टेस्ट कीजिए। अरे नाहर बनाने कैसे छोड़ दिया, उन्हें तो बहुत पसंद है। मम्मी एक मिनट, इसे लीजिए। मन्नू भाभी, क्या हुआ आप ऐसे अचानक? अच्छा बेटा, बस कुछ नहीं, पुरानी बातें याद आ गई।
जब तू छोटी थी ना तो क्षीर पूजा पे हम औरतें मिलकर बैठकर गुजिया बनाती थी और तू आ जाती थी और कहती थी मुझे भी काम दो, मुझे भी कुछ करना है। हाँ, और आप कहा करती थी कि मेरा ब्याह हो जाए फिर मैं सारी रस्मों में आपके साथ शामिल हो सकती हूँ। देखिए ना मुन्ना भाभी, अब मैं ब्याहता हूँ, मेरी बच्ची है, नार जैसा पति है जिन्हें पाना सौभाग्य की बात है। ये सब आप सबके आशीष का प्रताप है मुन्ना भाभी। मुझे आशीर्वाद दीजिए ना मुन्ना भाभी कि मैं हर साल क्षीर पूजा करती रहूं, सदा सुहागन रहूं। हाँ मेरी बच्ची, तेरा सुहाग हमेशा बना रहे। माता रानी, हमारी छोरी की हमेशा रक्षा करना, इसे बुरी नजर से बचाना। ले, सुन ली थारी माता रानी ने, मारे को खास भेजा थारी छोरी की रक्षा के। तू अठे कठे से आ गया। लो, अपने खसम कुत्ती जल्दी भूल गई। अरे भाई लोग, आप ही बताओ, अपनी घर वाली और बच्ची से नहीं मिल सकता क्या मैं? देख, मैं तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता, हमारे साथ चल, थारे से कुछ खास बात करनी है। हमारे मुंह में पिसा ठूंस दे, चुप हो जाऊंगा? नहीं हमारे घर ने पिसा। अरे अभी थोड़े दिन पहले तो लेके गया तू, कटे से लाऊं रोज रोज पिसा मैं? कटे से लाऊं मतलब? अरे इतने बड़े घर में काम करे तू, थारे पास पिसा की कमी है क्या? देख सकते तो बड़े लोग आके घर में तो पिसा और जेवर यहाँ बिखरे रहते हैं। अरे थोड़ा सा उठा लेगी तो उनको क्या पता चलेगा? मुंह बंद कर, गरम चले, मारे से चोरी कराना चाहे? तमीज से बात कर, थोड़ा घर वाला हूं मैं, मारी लुगाई है तू। तिजोरी तो अपने कमर में लटका के घूम है तू, चल। दे दे। छोड़ ना। छोड़ मने। अरे अरे मामा, मारी चोरी, मारी बच्ची, मारी बच्ची कहाँ चल गई थी? अपने बाप को छोड़ के मारी चोरी, मारी बच्ची। दे सावरी ने मने, दे। अरे क्या हो रहा है यहाँ? देखो ना भाई साहब, ये मारी चोरी ने नहीं दे रहा है वापस। वापस दे मने। माता रानी के दरबार में झूठ मत बोल, पाप चढ़ेगा। अरे एक बाप को उसकी छोरी से मिलने नहीं दे रही है भैया, ऐसा होता है कहीं के? आप ही लोग बताओ। चलो भाई, ये मियाँ बीबी का आपसी मामला है, हम लोग बीच में क्या बोले? चलो। अरे भाई साहब, भाई साहब मारी मदद करो, सुनो, देखो मारी छोरी ने वापस दिलाओ मारे। आ सामरी, हम हर बाप मार डालो का, ऊपर ही चढ़ा दो गाड़ी और देख के चला कर। क्यों आए हो तुम सावित्री और इस बच्चे की जिंदगी में फिर से जहर घोलने?
थोड़ी भी शर्म बाकी है तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तो आप कौन होती बीच में बोलने वाली? जय मारी लुगाई, जय मारी बच्ची है? मैं ना हूं मिलने? अच्छा, मैं अच्छे से जानती हूँ कितना प्यार है तुम्हारे दिल में इस बच्ची के लिए। ये वही बच्ची है ना जिसे तुमने कोठे पे बेचने की कोशिश की थी, जिसे तुम ट्रक में फेंक आए थे। आज के बाद इन दोनों की जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तुमने तो अपनी जिंदगी से अलग हो जाओगे तुम। जाओ यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा मैडम जी, पर एक बात आप भी याद रखना, जैसे आप आज मारी घरवाली से मारे को दूर कर रहे हो ना, भगवान इंसाफ करेगा मारे साथ, ऐसा ही थारे घर वाले का सुख भी थारे को नसीब नहीं होगा। अरे मारी घरवाली को तो तुम लोगों ने छीना मारे से, और थारे से थारे सुहाग को भगवान छीनेगा। और तू भी याद रख, तो इतना चहक रही है ना, लौट के मारे पास आएगी, कोई साथ नहीं देगा थारा, थारे पति का सुख नसीब नहीं होगा, थारे को याद रखना मैडम जी। भाई साहब, सामने कुछ हो जाता तो भाई साहब? क्यों ऐसी बातें कह रही हो अपने मुंह से? सावरी को कुछ नहीं होगा, माताजी महाराज इसकी रक्षा करेंगी। भाई साहब, मारो बीन एकदम निकम्मा है, थेबी की बातों को बुरा मत मानो भाई साहब। कड़मुहा अगली बार आएगा ना तो मार मार के भगा दूंगी बीने। थारा तो बहुत उपकार है मारे ऊपर, मारी सावरी के ऊपर। भाई साहब, सावरी तो बहुत नसीब वाली है जो आप लोगों का साथ मिला। मैं जानू हूँ भाई साहब, नारू को मारी सावरी ने बहुत प्यार करे, एकदम बेटी जैसे माने हैं। मैं जानू हूँ नारू को मारी सावरी ने खूब अच्छी परवरिश देंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। भाई साहब, बहुत कम लोग हुए हैं नाहरुकुम जैसे, नाहरुकुम तो हमारे लिए भगवान जी हैं। उनका साया हम गरीबों के ऊपर हमेशा रहे। मैं तो माता रानी के दरबार में यही जाके प्रार्थना करती हूँ कि हमारे नाहरुकुम हमेशा बने रहे, हमेशा। तुम चलो गाड़ी में बैठो। जी भाई साहब। नाहर, ती रात गए बेटा, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? बाबू, मुझे अपनी गोद में सुलाइए ना,
जैसे आप बचपन में सुलाती थी। कैसी बातें कर रहा है तू? सब कुछ ठीक तो है ना? तेरी तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबू, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस ऐसे ही मन कर रहा था आपके पास आने का। बहुत अच्छा लग रहा है बाबू, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। बाबू कोई कोई कहानी सुनाइए ना, वो बचपन वाली, वो राजा वाली, वो राजा जो एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाता। ये क्या बचपना है? तेरी अपनी बिटिया को कहानी सुनाने की उम्र है या मेरी तुझे? क्या पता बाबू फिर मौका मिले ना मिले, मैं अपने बचपन को कुछ देर जी लेना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं नाहर? सुनाइए ना बाबू, क्या आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? करूंगी, जरूर करूंगी। तो सुन, एक राजा था, बहुत सुंदर था, बिल्कुल तेरी तरह। आपकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी नाहर, जितना भी समय है आपके पास उसमें आपकी सारी इच्छाएं पूरी की जाएगी। सलोनी, कब तक सच को छुपाओगे नाहर? मैं सब जानती हूं। क्या तुम क्या बात कर रहे हो सलोनी? कौन सा सच छुपाया मैंने तुमसे? आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ मैं, और आपको भी ये समझना चाहिए कि आप मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते।